करते हो जमील साहब, यूसुफ साहब भरवत करते हो तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं यार, प्लीज सुन लो प्लीज यार। तुम बुल्लू के पट्टे कुत्ते रामजादे नहीं हसन, तुम हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज प्लीज कुत्ते मुशफिकुल्लाह साहब प्लीज 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 हसन निसार साहब प्लीज 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 हसन निसार साहब मतलब ये सो हे हाय हेलो नमस्कार राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से गाइज आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि फनी वीडियो है एज यूजुअल। तो आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि बेस्ट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस फाइटिंग एंड अब्यूजिंग ऑन लाइव टीवी। मतलब कि पॉलिटिशियंस के जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो लाइव टीवी पे एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे का अब्यूज कर रहे हैं। वो खैर कोई नई बात तो नहीं है, इनका हर बार का ही काम है, बट हमें तो देखने से, हमें तो एंटरटेन होने से मतलब है। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन झट से मिलती रहे और आप फटाफट से हमारी वीडियोस देखते रहो और एंजॉय कर सको। तो चलिए गाइज वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया, आपने बात की आप अल्फाज के इस्तेमाल आपने गलत नहीं आपने किया आपने गलत किया मौलिक। और हसन निसार साहब अपने फार्म हाउस में रहते हैं और फिर इस मुल्क के लोगों को गालियां बकते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, जो वो घड़ियां पहनते हैं, जो वो चल चुप कर तो बदमाश तुम बुल्लू के पट्टे कुत्ते रामजादे नहीं हसन निसार साहब एक मिनट प्लीज प्लीज कुत्ते मुशफिकुल्लाह साहब प्लीज 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 हसन निसार साहब प्लीज 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 हसन निसार साहब मतलब ये हसन निसार साहब इसको हसन निसार साहब प्लीज 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 हसन निसार साहब इसको लाखों आवाम सुन रहे होंगे, इसको प्लीज लाखों आवाम सुन रहे होंगे। हसन निसार साहब वापस तुम्हारे मुंह पे फेंकता हूँ जो तुम अपने अपने देखें अपनी अपनी बारी में सब कमेंट करने प्लीज। हसन निसार साहब आप जस्ट लेट मुशाहिदुल्लाह साहब कंप्लीट। और ये झूठ बोल यार, ये तुम जर्नैल बने हो, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी वाली तुम मादाती बना हुआ है, तुम मुझे भी बड़ा तुम बहशत की है इन सब बातों में, तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन की बात है तुम जर्नैल बने हुए हो? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अमेरिका के पिट्ठू बने में हम एक्चुअली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जमीन साहब लोग जो है उनकी भरवत करते हो जमीन साहब यूसुफ साहब भरवत करते हो मुझे कुछ यार तुम्हारी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं यार, प्लीज सुन लो प्लीज यार भरवत करते हो क्या मतलब है तुम्हारा यार विशुड यार जमीन साहब प्लीज यार तुमने बकवास की तो सारी जिंदगी याद रखोगे, सारी जिंदगी याद रखोगे। करो आज बकवास में तुम्हारे सारे कर्तूत करो बेहुदा, तुझे शर्म नहीं आती? सर जाति आपसे तुम कौन होते हो? इस तरह दो तरह के चमचे जाति आपसे नहीं आते, दो तरह से तुम्हारे जुरत है। लेट्स नॉट डू इट सर, तुझे एक नंबर मार्क क्यों पता करेंगे मेरे पास बुद्धि कमीने। बस बस सर प्लीज प्लीज सर प्लीज ओके अब्बासी साहब आपने पॉलिटिकली अब्बासी साहब तू बात करके देख अब्बासी साहब स्टॉप इट सर प्लीज। अब्बासी साहब आपने पॉलिटिकल कमेंट दे दिए सर, आप कैन चलाओ दिस ऑन माय प्लेटफॉर्म। अब्बासी साहब सर प्लीज सर आई हैंडल इट। अब्बासी साहब इज दैट ऑल यू वांट टू से? आप पॉलिटिकल कमेंट देना चाहते हैं?
हमें देना चाहते हैं पॉलिटिकल कॉमेंट पे बात रखिए सर प्लीज मेरे पास बात करना है तो डिस्कस कर लेंगे सर एक सर ओके पॉलिटिकल कॉमेंट है बासी साहब पॉलिटिकल कॉमेंट सर पॉलिटिकल कॉमेंट आपने अपनी बारी ली मेरी बारी आएगी मैं क्या अपनी बारी मैंने अपना बोल दिया ना सुनने बात गुफ्तगू करना भूल जाएंगे आप क्या कर रहे फैसला बात का ये फैसला बात नहीं है तुम्हारा बेडरूम भी नहीं है जहाँ डॉलर मिलेंगे हजारों लाखों करोड़ों ये तुम्हारे बाप की वो स्टील मिल नहीं है जहाँ से उन्होंने करोड़ों रुपए दिए कमाए और उपाय दे रहे सारा पाकिस्तान का माल लूट के गंदी बातें इसकी मेरी जबान सर उन्होंने कोई गंदी बात नहीं मेरा बाप 430 साल तेरा सारा खून कुत्तों का खून है बेशरम जलील आदमी और तेरा बाप तो चोर है तेरी कुत्ते मेरे से बातें सुनने का बगैर हैसियत यार बस नहीं मैं 2000 नंबर छोड़ो आप पैसे नहीं है बुला रहे नहीं है और शरफ शरफ जो घटिया कौन आदमी है आपके मुंह पे कालक मली है आप अपनी शर्म आनी तुम चोर पैसे लेकर घटिया आदमी तुम बात करते हो तुम्हारी औकात क्या है टके के आदमी नहीं हो तुम आपने देख लिया इनका क्या बोलते हैं उसको जलूस ये अपना जलूस खुद कैसे निकलवाते हैं मतलब कि एक से एक बढ़ के नमूने भरे हुए हैं इस पाकिस्तान के अंदर मतलब लाइव टीवी पे तुम लोग ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो अपना अपना खुद का मजाक बनवा रहे हो और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि वो उसको मतलब हाँ ऑब्वियसली लाइव है तो अपडेट तो हो गई बट वो एटलीस्ट बंद तो कर सकते हैं उस लाइव को वो लाइव चलाए रखते हैं और ऊपर से उसको पोस्ट कर दे रहे हैं वाई आर वा मतलब मल्टी टैलेंटेड लोग है पाकिस्तान में एंड जो जो मेरे को सबसे बेस्ट क्लिप जो लगी है ना वो जो भी जो लास्ट में थी ना मतलब वो लोग हाथापाई करने के लिए उठे तो ऐसे कि जैसे अभी मुंह तोड़ देंगे दूसरे का बट वो छोटी छोटी गालियों पे ही कि कुत्ता कुत्ता उल्लू का पट्ठा इस पे ही रुक गए वो अपने आप ही बैठ कर मजे की बात तो ये है कि जो बंदा तीसरा वहां पर बैठा है वो उठ के देख भी नहीं रहा है वो खुद अपने आप को साइड कर रहा है कि भाई मेरे को ना लग जाए मतलब यार कमाल ही है यहाँ रोकने की वजह खुद का जुलूस खुद अपना लाइव टीवी पे खुद का जुलूस निकलवाते हैं और एक से एक बढ़ के पॉलिटिशियन भरा पड़ा है तब समझ में आता है कि पाकिस्तान अभी तक वहाँ क्यों है नहीं इतना डाउन क्यों है अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सो और कुछ नहीं है उसमें आम जनता का कोई कसूर नहीं होता जो कसूर होता है सरकार का कसूर होता है आम जनता को सपोर्ट करना होता है सरकार को अब उनकी सरकार ही ऐसी है
तो आम जनता भी क्या ही सपोर्ट करेगी, आम जनता तभी तो हम इंडियंस के लिए हम मतलब हम जैसे लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा बोलती हैं, वो लोगों को प्राउड होता है इंडियंस के ऊपर, वो लोग खुद इंडिया आना चाहते हैं, वो यही रीज़न है कि वो लोग इसलिए आना चाहते हैं। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा इस वीडियो का, जो सबसे बेस्ट क्लिप आपको लगा हो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला क्लिप सबसे बेस्ट लगा था। बाकी तो मुझे तो सारे अच्छे लगे थे, मुझे वो लास्ट वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो इतना जोश दिखा रहे हैं बट उनके अंदर लड़ाई करने का कोई वो नहीं है, वो सिर्फ ऐसे पकड़ के भाईचारा निभा के वापस बैठ गए। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही मेरे साथ वीडियोज़ देखते रहो। थैंक यू सो मच।